और दूसरे लफ्ज़ों में जो अमीन होता है वो उस्ताद का नायब होता है। अगर उस्ताद उठकर जाते हैं तो अमीन की ज़िम्मेदारी होती है कि तमाम बच्चों को उसी तरह बिठाना, और कोई बच्चा क्लास से उठे नहीं, कोई शरारत ना करे, कोई बात ना करे, उसी तरह पढ़ते रहें। और वो जब उस्ताद कहीं दो मिनट के लिए भी बाहर जाते हैं या वाशरूम भी जाएँ तो उसका काम ये है कि वो खड़ा हो जाए, अपना भी पढ़ता रहे और बाकी को देखता रहे, और जो उसकी बात ना माने फिर वापस आकर। ये है आज के जो प्रीफेक्ट होते हैं ना, छोटी सी एक बात याद रखें, आप भी प्रीफेक्ट बन सकते हैं। इस बुनियाद पर प्रीफेक्ट बनना है, कल आपने आके कार्य रफीक साहब से सवाल करना है कि ये प्रीफेक्ट जो बनते हैं जो तकर्र अमीन होता है किस बुनियाद पर होता है, ठीक है? प्रीफेक्ट, मॉनिटर, अमीन, इमाम, लीडर, ये सब एक ही बंदे के नाम होते हैं, और वो उसके होते हैं जिसको अल्लाह ताला ने ये खुदादा सलाहियत दी होती है कि वो लीडर बन सकता है। लीडर कहाँ का बनना है? पहले अपने घर के चार पांच बहन भाइयों का लीडर, वही बच्चा बाहर क्लास में निकलकर स्कूल में आकर 15 से 20 25 बच्चों का लीडर, वही 20 25 से फिर मोहल्ले की क्रिकेट टीम का लीडर 30 40 लोगों का, उसके बाद वही बच्चा फिर शहर का लीडर, और फिर होते होते वो पूरा आलिम इब्राहिम इन्ना का मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व आल मोहम्मद कमा बारक अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्ना का मजीद रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। या रब्बुल आलमीन, हमने आज जो यहाँ पर फैसला किया इस फैसले के अंदर बरकत अता फरमा, या रब्बुल आलमीन इस फैसले के अंदर खैर अता फरमा, या रब्बुल आलमीन स्कूल के हर बच्चे को कामयाबी को कामरानी अता फरमा, या रब्बुल आलमीन जिसो का हिफ्ज़ कर दिन दुनी रात तरक्की करता रहे और यहाँ के बच्चे हिफ्ज़ करके जाएँ तो माशरे के अंदर खैर सामान कर जन्नत फिरदौस में जगह का फरमा दो, वहाँ पर बच्चे शहीद हो रहे हैं और दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमा, हम जिस हद तक उनकी मदद कर सकते हैं या अल्लाह हमें हिम्मत और हौसला का फरमा, हम उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व साबिक मईन रहमतुल्लाह।